करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में 8 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन लाखों लोगों ने सुबह बालाजी के दर्शन करने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए। यह बागेश्वर धाम की आस्था है जो देश विदेश से लाखों लोगों को यहाँ खींच कर लाती है। बागेश्वर धाम में सुबह 4 बजे से बालाजी के दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के आसपास का क्षेत्र लोगों से भर गया। सुबह की महाआरती के बाद बालाजी के दर्शन का क्रम शुरू हुआ। पहले वैदिक मंत्रोपचार के बीच पादुकाओं का पूजन हुआ, इसके बाद गुरु दर्शन प्रारंभ हुआ। बागेश्वर महाराज के देश विदेश में शिष्यगण फैले हैं, इस वजह से महोत्सव को 8 दिवसीय रखा गया है। महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। छतरपुर के अलावा पन्ना, टीकमगढ़ और सागर से पुलिस बल बुलाया गया है। इसके अलावा अस्थायी अस्पतालों के माध्यम से लोगों को इलाज दिया जा रहा है। श्री विक्रम सिंह परियार जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो है प्रति शिफ्ट में 2 शिफ्टों में व्यवस्था लगाई गई है। प्रति शिफ्ट के उप पुलिस अधीक्षक इंचार्ज हैं, 10 थाना प्रभारी, 15 उप निरीक्षक सहित 300 कुल पदाधिकारियों का बल यहाँ लगाया हुआ है। मंदिर व्यवस्था में, जिगजैग व्यवस्था में, पार्किंग में, पंडाल में, आगे पीछे, दाएं बाएं, मंच की सुरक्षा व्यवस्था में ये बल सागर से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, पन्ना, 4 जिलों से बल आया हुआ है। हाँ, वो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है लोकल तहसीलदार और SDM को भी यह व्यवस्था में लगाया गया है और वो भी यह व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। नगर पालिका से पानी के टैंकर, पीने की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल, अस्थाई हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, समस्त एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, आकस्मिक बल की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय समय समय पर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक, 2 से 8 और 8 से 8। सुबह जो स्टाफ है 6 लोगों का स्टाफ है और अपने यहाँ मरीजों के लिए जितनी भी बेसिक दवाइयाँ हैं और इमरजेंसी जो ड्रग्स हैं वो सारी अवेलेबल हैं। बेड की भी दो बेड की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी है। उसके लिए हमारी गंभीर मरीजों के लिए यहाँ लाया जाएगा, फिर उसको अगर ज़्यादा गंभीरता को देने के लिए वो एम्बुलेंस से छतरपुर रेफर किया जाएगा, जो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।